दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं, राजस्थान बीएससी नर्सिंग RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बारे में बिग अपडेट क्या आई है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का, जिनको बीएससी नर्सिंग करनी है RUHS से, उनकी फॉर्म डेट कब तक आएगी, उनके लिए उनका बैट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको वेट खत्म करते हैं, कब तक आपके फॉर्म आएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहना वीडियो का एंड तक बिना स्किप करते हुए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हम जो भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी हम अपडेट प्रोवाइड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उनको जाके भी देख सकते हो, काफ़ी वीडियो अपलोड हैं। और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पेपर है वो भी प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और सारी PDF टेस्ट सीरीज वगैरह सारी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा होगा, मेरे को पता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अभी तक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म नहीं आए हैं। चलो बात करते हैं फॉर्म कब आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे, मैं आज आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के वो फॉर्म है वो दोस्तों 30 जून तक आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ मैं, ये 30 जून तक लास्ट डेट है। वैसे यूनिवर्सिटी का जो नोटिस आया उसमें दोस्तों 28 से 30 जून के बीच में दे रखी है, मतलब 30 जून के समथिंग। अब दोस्तों, 30 जून के समथिंग कैसे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 30 जून के समथिंग, जैसे कि 30 जून दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट बता रखी है। क्या दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट है वो कितने बता रखी है, 30 जून। 30 जून के दोस्तों 2-5 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, 2-5 दिन नीचे भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बताया गया है, जो नोटिस निकाला गया है, अभी जो अपडेट दी गई है वो दी गई है, अभी हमने यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट किया है तब जाकर ये हमको जानकारी मिल पाई। दोस्तों, आपके लिए हम कहीं ना कहीं से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोस्तों नर्सिंग से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, हम कहीं ना कहीं से उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट किया था तो हमें 30 जून के समथिंग डेट बताई गई है। कितनी दोस्तों, 30 जून के समथिंग डेट बताई गई है। 30 जून से 2-4 दिन पहले भी हो सकते हैं और 2-4 दिन अब भी हो सकते हैं, यानी लेस देन 4 दिन या फिर लेस देन 5 दिन, और हो सकते हैं मोर देन 5 दिन, यानी कि 5 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। दोस्तों, यानी कि आपको जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कितनी बता रखी है, एक्सपेक्टेड डेट है वो 30 जून के समथिंग आपके फॉर्म आ जाएंगे। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हो रहा है कि 30 जून तक, यानी कि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 10-15 दिन का, 30 जून के समथिंग आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ जाएंगे। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करना, और आई होप आपकी अच्छी ढंग से प्रिपरेशन चल रही होंगी, अच्छी ढंग से प्रिपरेशन करना। और भी आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो, हमारे चैनल पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो DRX विकास चैनल के साथ में जुड़कर आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो, और आपकी एक सीट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और बीएससी नर्सिंग से एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ों को जानने के लिए, सारी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना दोस्तों। ठीक है, चैनल पर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।